फ्रेंड्स, ये वीडियो नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए है। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि डेली का 10 से 12 घंटे पढ़ें और कैसे पढ़ें, ठीक है। अब बहुत सारे जो 2022 के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि सर क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ें 10 से 12 घंटे और क्या हमें सच में 10 से 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। पर मेन क्वेश्चन ये था कि स्कूल के साथ 10 से 12 घंटे कैसे पढ़ा जाए। पहली बात समझ लीजिए, ठीक है, एक एक करके चलते हैं। नीट की तैयारी का मतलब है आपको वीडियो देखते हुए नोट्स लेने, फिर एनसीईआरटी का रीडिंग करना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और मैंने आपको कहा है फिजिक्स केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन, बायो के 200 क्वेश्चन। यदि आप 96 चैप्टर्स का हिसाब लगाएंगे, इसका मतलब इसको 58 चैप्टर से मल्टीप्लाई किया, इसको 38 चैप्टर जो बायो के मल्टीप्लाई किया, करीब 13,000 क्वेश्चन ये हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप 20-25 मॉक टेस्ट देंगे नीट 2022 तक, तो वो आपके करीब अनदर आप ये देख लीजिए करीब करीब 4,000 क्वेश्चन वो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको इतना काम करना है। दूसरी चीज़ समझिए, 70 हफ्ते बचे हैं नीट के एग्जाम में, आज से 69 वीक्स होंगे, इसमें से आपको 55 वीक्स मिलेंगे नीट की तैयारी के लिए, क्योंकि आपका बाकी टाइम स्कूल की तैयारी, बोर्ड एग्जाम वगैरह की तैयारी में चला जाएगा। आपको 96 चैप्टर्स खत्म करने हैं 55 वीक्स में, ये आपकी मोटी मोटी कैलकुलेशन है। इसका मतलब आपको 2 चैप्टर्स पर वीक, अब 2 चैप्टर पर वीक का मतलब डेली के कितने घंटे आते हैं जरा समझ लीजिए, सिंपल सी चीज़ है। वीडियो देखते हुए नोट्स लेने में आपको करीब 12 घंटे लगेंगे, 3 घंटे एनसीईआरटी का रीडिंग, ये एवरेज बता रहा हूँ, 5 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस। 100 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के, क्योंकि कैलकुलेशन हो तो ये 5 घंटे लग जाएंगे, बायो के 200 क्वेश्चन 5 घंटे लग जाएंगे, तो आपका टोटल करीब आ गया 20 आवर्स पर चैप्टर, ठीक है। और हमने कहा कि 2 चैप्टर पर वीक यानी 40 आवर्स पर वीक, ठीक है। इसमें सारी चीजें आ गई बच्चों, यदि आप कोचिंग जा रहे हैं तो इस दिस इंक्लूड्स कोचिंग टाइम, इंक्लूड्स कोचिंग टाइम, ठीक है। आप कोचिंग नहीं जा रहे, दिस इंक्लूड्स वीडियो वॉचिंग टाइम, है ना। तो अलग से कुछ भी नहीं है, तो ये मोटा मोटा यदि आप देखते हैं तो ये 6 आवर्स पर डे आता है, 6 आवर्स पर डे, 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में। और आप यदि देखेंगे आपका 5 घंटे स्कूल होता है, 6 घंटे की पढ़ाई हो गई, 5 घंटे का स्कूल हो गया, 11 घंटे हो गए, 7 घंटे की आपकी स्लीप हो गई, 18 घंटे हो गए, 2 घंटे आपके डिस्ट्रैक्शन वगैरह हो गए, 3-4 घंटे, तो ये लीजिए 24 घंटे का हिसाब, है ना। 5 आवर्स स्कूल, अच्छी बात है, ठीक है। 7 आवर्स स्लीप, अच्छी बात है, ठीक है। 6 आवर्स नीट स्टडीज, अच्छी बात है। 3.5 घंटा आपका करीब चला जाएगा फूड बाथरूम टॉयलेट वगैरह में, ठीक है। और बाकी टाइम डिस्ट्रैक्शंस के लिए रख लीजिए, डिसिप्लिन चाहिए, पर आप देखेंगे सारी चीजें आराम से हो जाती हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, देख लीजिए। तो ये आपका यदि सवाल था, मैंने इसका जवाब दे दिया, आप आराम से सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि यदि आप अभी से 2022 की तैयारी करते हैं, अपना स्कूल भी कर सकते हैं, स्कूल में अच्छे नंबर आएंगे, रात को आराम से सो सकते हैं। यदि आपकी कुछ हॉबीज वगैरह हैं, ये देखिए डिस्ट्रैक्शन का टाइम रह गया 5, 7, 12, 6, 18, 3, 21, आपको 3, 3.5 घंटे डिसिप्लिन चाहिए। 7 घंटे मतलब 7 घंटे सोना, 5 घंटे स्कूल, 6 घंटे नीट की पढ़ाई, है ना, 3.5 घंटे फूड बाथरूम टॉयलेट, ये आपस में मिक्सिंग नहीं कर सकते। तो आप आराम से डेली का यदि 5 से 6 घंटा नीट की तैयारी में दे रहे हैं, और उस 5 से 6 घंटे में कोचिंग टाइम भी इंक्लूडेड है, और यदि आप कोचिंग की जगह वीडियो देखते हुए घर पे बैठ के तैयारी करें तो वो भी इंक्लूडेड है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई, आपको डेली कितने घंटे पढ़ना है ये समझ में आ गया। पर मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहता हूं, आपने अभी तक भी तैयारी चालू नहीं करी है, प्लीज 2022 की तैयारी चालू कर दीजिए, यदि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए, नहीं तो अब ये सपना हर हालत में सपना ही रह जाएगा, 2023 की तैयारी ड्रॉप करके करनी पड़ेगी। यदि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, मेरा नंबर है 9667591930। जब से हमने ये रिविजन वगैरह चालू किया 2022 का, जो हमारा 31 मार्च का टारगेट चल रहा है, काफी बच्चों ने हमारा कोर्स ज्वाइन किया है। आप स्कॉलरशिप टेस्ट लिखना चाहते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, पर
इस बात को समझ लीजिए, आप यदि अभी डिसिप्लिन के साथ अपने डे को ऑर्गेनाइज कर लेंगे सारी चीजें पॉसिबल है, बेमतलब में परेशान होने की जरूरत नहीं है। बता दीजिए वीडियो के कमेंट में, कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सवाल, अब 2022 एस्पिरेंट्स को ये वाली चीज क्लियर है कि स्कूल के साथ 10 घंटे कैसे पढ़े। स्कूल के साथ 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्कूल के साथ सिर्फ 5 से 6 घंटे पढ़ेंगे, आराम से आपके हफ्ते में 2 चैप्टर हो जाएंगे जो आपको नीट 2022 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए चाहिए। ठीक है बच्चों।